नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के एक डीआईवाई वाटर कूलर के बारे में, जिसको हम कस्टम मेड वाटर कूलर भी कहते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप उसको कस्टम मेड करना चाहें। तो आज हम इस वीडियो में उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे, जिससे कि आप उसकी सारी डिटेल्स देख पाएंगे। जो हम जिस वाटर कूलर की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का दिखता है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। अब हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, साइलेंट डिज़ाइन है, कॉपर बेस प्लेट है, एक्सिंग कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर, बारह टैंक डिज़ाइन है, एएमडी इंटेल दोनों में आप फिट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक बेयरिंग इसके अंदर पंप में दी गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके अंदर एक यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में आपको सारी डिटेल्स बताई गई है कि आपको इसके अंदर किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम भी इसके बाद में एक वीडियो करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके साथ पाइप दिया गया है, जिसको आप अपने हिसाब से, साइज के हिसाब से काट के और इसको अपने कैबिनेट में फिट करेंगे और अपने कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। ये उसके लिए पाइप दिया गया है। इस बॉक्स के अंदर सबसे हम देखते हैं तो एक एलईडी दी गई है, ये इसका पंप है, पंप में यही एलईडी इंस्टॉल होगी। ये आप पंप की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये आपकी पंप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इस पंप के बॉक्स में क्या दिया गया है, ये आपकी बिडिंग्स हैं जिनके थ्रू आप इसमें सारी वाटर कूलिंग इंस्टॉल करेंगे। बिडिंग्स की बात करें तो बिडिंग्स की जो ये क्वालिटी है वो भी अच्छी है। हर तरीके से इसमें माउंटिंग दी गई है जिससे कि आपके किसी भी तरह का लीकेज ना हो। ये उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, रबर कोटेड है। और इसके अंदर ये स्क्रूज दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इंस्टॉलिंग में काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं बॉक्स के अंदर में क्या भी है। एक ये कूलिंग पेस्ट है जो कि आपके सीपीयू के ऊपर लगेगा। ये एक एलईडी है, ये कुछ स्क्रूज हैं जो कि आपके ये जो सीपीयू कूलर है, जो कि प्लेट है, हीट सिंक जिसे हम कहते हैं, ये वो है। और ये एसी के इंस्टॉल करने के लिए काम आएगी। ये आपकी एएमडी और इंटेल दोनों में यूज हो सकती है। ये आपका इसके अंदर वाटर टैंक है। अगर हम वाटर टैंक के डिज़ाइन की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो वाटर टैंक है इसका डिज़ाइन है रेजिडेंट एविल मूवी में दिखाया गया था। इस तरह का डिज़ाइन, ये उसी डिज़ाइन के आधार पे, उसी मॉडल के डिज़ाइन के आधार पे बनाया गया है। आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या है। ये आपकी क्लिप्स हैं जिसके थ्रू आप इसको टैंक को फिट करेंगे कैबिनेट के अंदर। ये एल एंगल भी दिए गए हैं, अगर किसी तरह के आपको इश्यू हो तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ये यूज करने के लिए दिए गए हैं, ये दोनों चीज़ें वाटर टैंक के लिए हैं। ये वाटर टैंक को फिट करने के लिए स्क्रूज दिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके इसके अंदर फैन दिया गया है। असल में ये आपके दो फैन है, क्योंकि ये 240 mm का वाटर कूलर है, तो इसके अंदर दो फैन है आपके 120 mm के। हम फैन को बाहर निकालते हैं, ये इसके स्क्रूज हैं। फैन की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। ये आप वायर देखें तो वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी इसमें दी गई है। और एक और चीज़, ये आपका ड्यूल रिंग है, जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपकी एलईडी दोनों साइड इसमें ब्लिंक होगी। और इसके चारों तरफ एंटी वाइब्रेशन रबड़ दिए गए हैं दोनों साइड। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इस फैन की।
इसी तरीके से एक और पेन है, सेम है, ये आपका कूलेंट है, आप देख सकते हैं रेड कलर का है, और हो सकता है आपको दूसरे कलर में भी मिले, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कौन सा कलर आपको हो सकता है। तो इस वाले बॉक्स के अंदर रेड कलर है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके अंदर रेड ही कलर मिलेगा आपको, लेकिन इस वाला जो बॉक्स हमने अनबॉक्स किया इसके अंदर ये रेड कलर का कूलेंट है। इसके अंदर आपकी एक ये CFL दी गई है, ये आपकी जो हमारा टैंक है उसमें इंस्टॉल होगी, जिससे कि उसके अंदर LED प्ले हो सके। ये आपके एक तरीके से ट्यूबलाइट हम कह सकते हैं, ये ट्यूबलाइट वाली टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। और इसके अंदर आपके ये दो फैन को कनेक्ट करने के लिए 2x1 वायर दी गई है, जिससे कि आप एक ही कनेक्टर से अपने दोनों फैनों को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो ये बॉक्स के अंदर लास्ट के बॉक्स है, इसके अंदर हम देखें तो ये आपका रेडिएटर है, ये रेडिएटर आपका इसके अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं रेडिएटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, लाइट वेट है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें आप जब आप इसको प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप लोग इस वाटर कूलर को या हमारी कंपनी के DIY वाटर कूलर के लिए ये सजेशन है खाली, अगर आप किसी भी कंपनी का DIY वाटर कूलर यूज़ करते हैं, कस्टम मेड वाटर कूलर भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ करें तो कृपया उनकी प्लीज़ उनकी जो बिडिंग्स होती है जो से आप इंस्टॉल करते हैं उनको अच्छी तरीके से टाइट करें, किसी तरीके की लीकेज ना छोड़ें, जिससे कि आपका किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो बस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप बिडिंग्स वगैरह यूज करें तो उनको अच्छी तरीके से टाइट करें। ये आपके इस CPU कूलर की DIY CPU कूलर 240 mm की अनबॉक्सिंग थी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे और भी वीडियोज हैं वो आप देखिए, उनके बारे में अपनी राय दीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें शेयर जरूर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिससे कि शेयर करने से होगा क्या, शेयर करने से और लोग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाएंगे, जिससे कि और लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा और लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, बाय करने में मतलब उनको अच्छी रेंज में अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा कि जब भी हम इन फ्यूचर में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या कोई भी नई प्रोडक्ट के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे कि इन फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट आप अगर ख़रीदना चाहें या लेना चाहें तो आप उसको मिस ना करें कि यार मैं प्रोडक्ट लेना चाहता था और मेरा रह गया, मतलब इस तरह की कोई इशू ना आए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपकी इस प्रोडक्ट की पूरे की अनबॉक्सिंग थी, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।